ओम शांति। शिवनेहा की तरफ से आप सबको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भारत देश में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, हम धूमधाम से मनाते हैं। आज का दिन सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान, शिल्प कला की देवी भी माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारत को 6 ऋतुओं में बांटा जाता था, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत। वसंत इन सब में से मनचाहा मौसम है, फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल, गेहूं की बालियां खिलती है और ऐसा लगता है जैसे सोना चमक रहा हो। और इसलिए आज के दिन खास पीले वस्त्र और पीले रंग की मिठाइयां बनाई जाती है। अलग अलग देश में अलग अलग रीति से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहते हैं कि पंजाब में आज का दिन पतंग उड़ाकर मनाया जाता है, वहीं बंगाल में सरस्वती माँ की पूजा अर्चना कर मनाया जाता है और बंगालियों में ये बहुत ही खास फेस्टिवल है। वसंत पंचमी को माँ सरस्वती का जन्मदिन भी कहा जाता है। हम सब ये बातों को सुनते हैं, जानते हैं, मनाते हैं और फिर उसका आध्यात्मिक रहस्य जानने की कोशिश नहीं करते। तो चलिए आज एक छोटी सी कहानी से हम माँ सरस्वती के बारे में जानते हैं और वसंत पंचमी के त्यौहार के बारे में भी जानते हैं। कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तब हर तरफ शांति ही व्यापक थी, कोई भी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही थी।